आज हम जा रहे हैं चिकन बनाने, तो ये चिकन बनाने का तरीका भी अलग होगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आइए देखते हैं ये चिकन कैसे बनता है, बनाना शुरू करते हैं। चिकन बनाने के लिए गैस पे हमने कढ़ाई रखा है और कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें 100 ग्राम तक सरसों का तेल डाल दें। जैसे तेल गर्म हो जाएगा तभी इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे चला के मिला लें। तो जैसे हल्दी मिक्स हो जाता है तब इसमें डालेंगे ये चिकन। चिकन हमने आधा किलो लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है। तो एक एक करके हम सब चिकन को इस तेल में डाल देते हैं। तो तेल को हाई फ्लेम पे गरम कर लें। यहाँ पे सब चिकन को हमने डाल दिया है, अब नीचे हल्की सी सिक जाने देंगे। उसके बाद इसे चला के फ्राई कर लेंगे। कम से कम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, तब इसे हम निकाल देते हैं। चिकन निकालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। फिर तेल को गर्म होने के बाद इसमें 10 से 12 कलियाँ लहसुन डाल देंगे। लहसुन भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पहले लहसुन को डाल दें, उसके बाद इसे चला के भून लें। तो लहसुन को हल्के सी कलर चेंज होने तक भून लेना है। तब इसमें 1 तेज़पात और 3 सूखे लाल मिर्च डाल देंगे, 1 तोड़ा हुआ ये बड़ी इलायची और ये आधा इंची दालचीनी 2 टुकड़ों में और थोड़ा सा जावित्री, 1/4 चम्मच जीरा। अब इन सबको डाल के भून लेते हैं। तो आप भी इस तरह से खड़े मसालों का तड़का ज़रूर लगाइए, इससे टेस्ट चिकन का बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे हमने चला के भून लिया है, ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 लहसुन जिसे धो के हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे चला के आधे मिनट के लिए भून लेते हैं। तो आप भी चिकन में लहसुन ज़रूर डालिए, आप तो जानते ही हैं लहसुन कितना फ़ायदेमंद है और ये चिकन में लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए लहसुन भी आधे मिनट के लिए हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो चिकन हमने लिया था आधा किलो, तो उसके हिसाब से हमें इसमें डालना है 1 पाव प्याज और प्याज को हमने बारीक काट लिया है। प्याज डालने के बाद अब इसको चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे ऐसा ही भून लेंगे। तो जैसे ही अच्छे से तेल में मिक्स हो जाएगा तब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसे चला के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो नमक डालने से क्या होता है, प्याज जो है वो पानी छोड़ना शुरू हो जाता है और प्याज बहुत ही अच्छे से भुना जाता है। तो अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे प्याज को भून लेंगे। तो इसे चलाते हुए हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। तो पहले हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और ये 1.5 चम्मच लहसुन अदरक जिसे हमने कूट लिया है, आप चाहें तो इसका बारीक पेस्ट बना सकते हैं। तो अब इसे चला के मिक्स कर लेते हैं आधे मिनट के लिए, ताकि लहसुन और ये हरी मिर्च जो है इसमें अच्छे से भुना जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें गैस को लो फ्लेम पे। उसके बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाले में हमने लिया है 2 चम्मच ये चिकन मसाला, आप कोई भी गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं। 1/6 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला। तो ध्यान में रखते हुए डालेंगे, हरी मिर्च पहले भी हमने डाला है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे चला के मिला लें। तो जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी इसे कवर कर देंगे और गैस को लो फ्लेम पे तेल छोड़ने तक मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो पहले भी हमने बताया और अब भी, जब भी मसाले को भुने तब भी गैस को लो फ्लेम पे भुनेंगे तो मसालों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा खुशबू भी आता है। तो ये देखिए मसाले में तेल छोड़ना शुरू हो गया है, अब इसे चलाते हुए ऐसा ही 1 मिनट के लिए और मसाले को भून लेना है। तो मसाले को हमने 1 मिनट के लिए और भून लिया है। यहाँ पे मसाला जो है इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है, ये आप देख सकते हो। तो अब इसमें हम डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, और चिकन डालने के बाद इसे चला के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिर इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसा ही कवर करके भून लेंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद फिर से ढक्कन हटाया मैंने और चिकन भी आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बढ़िया से भुना गया है।
आप चाहे तो इसे ऐसा ही खा सकते हैं। ये भी चिकन फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि चिकन भी पहले से भी हमने फ्राई करके रखा हुआ था और ये डालने के बाद मसालों में अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी। अब इसमें हम डाल देते हैं, आप अपने खर्चे के हिसाब से पानी चिकन में डाल सकते हैं। मिला दें इसे। मिलाने के बाद अब इसे कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे ऐसा ही पका लेंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के। तो चिकन हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला था और चिकन भी पहले से ही बहुत ही अच्छे से पक गया था। तो ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मिला दें इसे ताकि धनिया पत्ता अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे, उसके बाद इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट में ये चिकन बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर 5 मिनट होने के बाद इसका ढक्कन हटाया मैंने। ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसका खुशबू आता है और ये चिकन का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से एक बार बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो आप ऐसा ज़रूर बनाइए एक बार और इसे गर्मा गर्म परोस के खाइए, रोटी के साथ या चावल के साथ। और हाँ, ये जो लहसुन हमने डाला है, इस तरह से चिकन में लहसुन आप भी ज़रूर डाल के खाइए। आपको पहले भी हमने बताया, लहसुन सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसमें का सालन भी आप देख सकते हो कि सालन भी दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपको तो पता ही होगा कि जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वो खाने में कैसा लगता होगा। तो ये चिकन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।